दोस्तों आजकल मॉम की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, इसलिए डॉगी मॉम की बहुत चिंता करता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। इसलिए मॉम आराम करने के लिए चली जाती है। अब डॉगी घर का सारा काम जैसे सफाई करना, कपड़े धोना खुद ही करने लगता है ताकि मॉम को काम ना करना पड़े। लेकिन तभी डॉगी को मॉम की आवाज सुनाई देती है और अब जब वो अंदर आकर देखता है तो मॉम की तबीयत बहुत खराब होती है। इसलिए वो फैसला करता है कि मैं मॉम के लिए दवाई लाऊंगा। लेकिन जब वो पैसे लेने के लिए ड्रॉर खोलता है तो उसमें बहुत कम पैसे होते हैं, इसलिए वो पैसों का जुगाड़ करने के लिए घर से निकल जाता है और जगह जगह खाली प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करने लगता है ताकि उनके बदले उसे कुछ दवाइयां मिल सके। अब वो सभी बोतलों लेकर मेडिकल स्टोर में जाता है और उनके बदले दवाई देने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन स्टोर का मालिक डॉगी को डांटकर वहाँ से भगा देता है, इसलिए डॉगी उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर काम कर रही एक महिला डॉगी से पूछती है कि तुम्हारी मम का पेट खराब है, तो डॉगी मना कर देता है। अब वो पूछती है कि तुम्हारी मम को बुखार है, डॉगी हाँ कर देता है और वो महिला डॉगी को बुखार की दवाई दे देती है। डॉगी महिला को थैंक यू बोलकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है और घर पहुँच कर मम को उठाकर उन्हें दवाई खिलाता है। मम ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और डॉगी को अपने गले लगा लेती है। दोस्तों इस डॉगी के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है और कमेंट में अपने डॉगी का नाम जरूर लिखना।